इंदौर में कई स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग पोस्टरों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि इस तरह के अश्लील पोस्टर से शहर की छवि खराब होती है, ऐसे होर्डिंग को तत्काल हटाया जाए। कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने भगवान भोलेनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उसके बाद इंदौर में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक के वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। इंदौर की टावर चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का पुतला लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस विधायक बाबू ने नशे की हालत में भगवान भोलेनाथ को लेकर गलत टिप्पणी की है, जो असहनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हमने सुबह एक वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल करे, उन्होंने हमारे आराध्य भगवान शंकर भोलेनाथ जी के लिए गलत अपशब्दों का प्रयोग किया है। हमने आज उसी कार्यक्रम में उनका पुतला दहन किया और हमने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मांग की कि इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और ऐसे विधायक पर कार्रवाई करें और कांग्रेस से बाहर करें। हटाया नहीं जाता तो हम इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, धार्मिक भावना भड़का रहे। मामले में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने भी विधायक बाबू जंडेल के बयान पर निंदा व्यक्त की है और कहा कि कांग्रेस नेता विधर्मियों की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बाबू जंडेल की विधानसभा रद्द करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि जंडेल इंदौर आएंगे तो उनका मुंह काला किया जाएगा, भगवान शिव का कोई अपमान करेगा तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये सनातन धर्म को क्या समझेंगे, इनको तो वही अल्लाह अकबर और यही सब दिखता है, तो ये उसी उस पर चल रहे हैं। और भगवान शंकर के प्रति जो उनने गलत बात बोली है, मैं उसकी घोर भर्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ, और इस तरह का कृत्य अगर वो करेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। बोलना ही चाहिए, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। उसके साथ इंदौर आएगा तो हम तो उसका मुंह काला करेंगे। विधानसभा में भी इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। इस तरह अगर भगवान के प्रति अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जूते मारेंगे उसको। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे भी प्रदेश भर में इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।